हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मसल्स ऑफ अपर लिम एंड इसकी नर्व सप्लाई के बारे में, जिसके टोटल यहां पे हम कितने पार्ट्स पढ़ेंगे, सिक्स पार्ट। देखिए सिक्स पार्ट कौन कौन से, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तीन रीजन होते हैं, कौन कौन से, पेक्टोरल रीजन, बैक रीजन, स्केपुलर रीजन, आर्म, फोरआर्म एंड हैंड। यहाँ पे इसके टोटल सिक्स पार्ट होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक पेज इस तरीके से लेना है A4 साइज का, और इसको ये जो लैंडस्केप हो, लैंडस्केप टाइप का रह गया, इसको आपको दोनों को यहाँ से इस तरीके से जोड़ देना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली नहीं जोड़ना है, मतलब इसको लैंडस्केप टाइप का, जिसमें आपको इस तरीके से इसको क्या करना है, ऐड करना है। देख सकते हैं ना, ये पूरा पेज है, ये पूरा पेज इस तरीके से रहता है, तो आपको इस तरीके से इसको ऐड नहीं करना है। एक्चुअली में यहाँ पर आप एक और दूसरा पेज ऐड कर लीजिए और फिर आपको इसको यू यूज करना है, ठीक है। तो आप, मैं बिल्कुल वैसे कि वैसे ही इसका एक पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। इसमें एक्चुअल में रहेगा ये कि आप लोगों को यहाँ पे पूरी मसल्स एक ही बार में दिख जाएगी, और यहाँ पे सभी की सभी जो भी नर्व्स है सारी सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम कौन से रीजन की बात करेंगे, कौन से पार्ट की बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे इसके पेक्टोरल रीजन के बारे में। तो यहां पे मैं वैसे कलरफुल पेंस के साथ में इसको ड्रॉ करने वाला हूं। पेक्टोरल रीजन, तो देखिए पेक्टोरल रीजन के अंदर कौन कौन सी मसल्स आती है। पेक्टोरल रीजन में टोटल फोर मसल्स आती है। फोर मसल्स कौन कौन सी आती है, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर, सबक्लेवियस एंड सेटस एंटीरियर। पेक्टोरल, माइनर, पेक्टोरल, मेजर, पेक्टोरल मेजर, सबक्लेवियस, सबक्लेवियस और सेरेटस एंटीरियर। और कौन सी होगी, सेरेटस एंटीरियर। ये हो गई इसकी कौन सी मसल्स, ये हो गई इसकी पेक्टोरल रीजन की मसल्स हो गई। नाउ विल टॉक अबाउट इट्स बैक रीजन, कौन सी रीजन की, बैक रीजन में। तो देखिए यहाँ पे बैक रीजन के अंदर कौन सी टोटल कितनी मसल्स रहेगी, बैक रीजन में यहाँ पे प्रेजेंटेड होगी टोटल फाइव मसल्स। फाइव मसल्स कौन कौन सी, देखिए पहली कौन सी मसल्स होगी, ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस, और सेकंड कौन सी होगी, लेटेसमस डोर्सी, लेटेसमस डोर्सी। थर्ड कौन सी होगी, थर्ड वाली होगी रेम्बोइडस माइनर, रेम्बोइडस माइनर। फोर्थ रेम्बोइडस मेजर, एंड द फिफ्थ वन इज लेवेटर स्केपुलाई, लेवेटर स्केपुलाई। तो ये हो गई इसकी टोटल किसकी, बैक की मसल्स हो गई फाइव मसल्स हो गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स, वन सेकेंड, सॉरी गाइस। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स स्केपुलर रीजन। स्केपुलर रीजन, तो देखिए स्केपुलर रीजन के अंदर यहाँ पे कितनी मसल्स रहेगी, स्केपुलर रीजन के अंदर यहाँ पे टोटल रहेगी सिक्स मसल्स। स्केपुलर रीजन कौन सा है, जो हमारा शोल्डर बना रही है, स्केपुला जहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्केपुला जहाँ प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पे कौन कौन सी मसल्स रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे रहेगी डेल्टोइड, सेकेंड सुप्रा स्पाइनेटस, थर्ड वन इज इंफ्रा स्पाइनेटस, द फोर्थ वन इज टेरेस मेजर, एंड द फिफ्थ वन इज टेरेस माइनर।
टेरेस माइनर और द सिक्स्थ वन इज सब स्केपुलरिस, सब स्केपुलरिस। ठीक है, ये हो गई इसकी कौन सी मसल्स, ये हो गई इसकी स्केपुलर रीजन वाली टोटल मसल्स। नाउ सी गाइस, यहां पर अब हम बात करेंगे इसके आर्म की। तो देखिए आर्म के अंदर हम सबको पता है आर्म, तो ये हो गया इसका कौन सा पोर्शन, ये हो गया इसका आर्म का पोर्शन। तो देखिए आर्म के अंदर यहां पे क्या है कि ये टू पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है, कौन कौन से पोर्शंस में, फ्लेक्सिक कंपार्टमेंट एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जिसको हम यहाँ पे नोट करेंगे कौन सी जगह पर, यहाँ पर। और यहाँ पे क्यों, ताकि यहाँ पर क्या है कि और भी बहुत सारे पार्ट पोर्शंस बनेंगे जो कि यहाँ पर इसको पूरे को क्या कवर करना होगा हमको, और एक्चुअल में यहाँ पे क्या थोड़ा सा स्पेस भी बन जाएगा, जिसके कारण मैं यहाँ पर आपको मसल्स सॉरी नर्व्स की भी क्या है नेमिंग करवा सकूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये कौन सी है, ये है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, फ्लेक्सर या फिर हम इसको बोल सकते हैं एंटीरियर फ्लेक्सर या फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, फ्लेक्सर या फ्लेक्सर या एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल्स आती है, यहां पे आती है टोटल बीबीसी मसल्स, बीबीसी मसल्स मतलब बाइसेप्स ब्रैकियलिस एंड कोरोको ब्रैकियलिस, बीबीसी मसल्स। बीबीसी के अंदर कौन कौन सी आएगी, बी का कौन सा हो गया बाइसेप्स, बी ब्रैकियलिस बीबीसी और सी कोरेको ब्रैकियलिस। अब देखिए फ्लेक्सर का मतलब कौन सा था, फ्लेक्सर का मतलब जो हैंड को या फिर बोले तो पूरे अपर लिम को क्या है फ्लेक्शन करने का काम करता है, फ्लेक्शन मतलब इसको इस तरीके से इसका जो एंगल है, मान लीजिए अगर मैं इसको अगर इसको एंगल को कम करूं, देखो ठीक है ये क्या हो रहा है एंगल कम हो रहा है, अगर ये 80 डिग्री 180 डिग्री का हो और मैं इसको अगर हाथ को ऊपर उठाऊं तो क्या कर रहा है 180 डिग्री से क्या कर रहा है इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, इट मींस ये किस काम के आएगा, ये कब जो फ्लेक्सेशन है जब किसी भी हैंड के एंगल का अगर डिग्री है या फिर लेवल ऑफ डिग्री अगर वो कम हो तो इट मींस वो फ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, और अगर वो उसको अगर ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इट मींस वो मतलब एक्सटेंशन कर रहा है उसको, मतलब कौन से कंपार्टमेंट मतलब कौन सी मसल्स उसको खींच रही है एक्सटेंसर। तो देखिए यहां पर आपको देखिए इसको फील कीजिए, मैं हाथ को मैं आप अपने हाथ को यूं रखिए उसको इस तरीके से उसका जो डिग्री का लेवल है उसको यूं करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी ये वाली मसल्स आपकी देखिए ये वाली मसल्स देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए ये मसल देखिए ये देखिए ये मसल देखिए कितना ये एंटीरियर साइड में मसल्स रह गए ना, तो देखिए कितना तरीके से इस इनके अंदर मतलब खिंचाव हो रहा है एक तरीके से, ये क्या कर रही है कंप्रेस कर रही है। लेकिन अगर मैं जब इसको मैं इसको एक्सटेंसर करने की कोशिश करता हूं तो देखिए यहां की मसल्स इसके बैक की मसल्स क्या करेगी यहां पर वर्क करेगी। तो ये देखिए यहां पर आपको क्लियरली विजिबल होगा, ये देखो मैं इसको हैंड को यू कर रहा हूं, ये देखिए ये बैक की मसल्स यहां पे क्या कर रही है एक तरीके से खींच रही है, तो यहां पे ये क्या करता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इस तरीके से वर्क करता है। तो यहां पर इसके जो फ्लेक्शन सॉरी यहां पर अगर मैं बात करूं इसके एक्सटेंसर या फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहां पर ये कौन सी रहेगी, ये यहां पे रहेगी मसल्स ट्राइसेप्स। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कीजिए, इसको अब आप यहां से इसको यू मिला दीजिए, तो ये हो गए हमारी टोटल यहां पे इसकी आर्म की मसल्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स फोर आर्म, फोर आर्म। तो देखिए फोर आर्म के अंदर एक्चुअली में क्या है, फोर आर्म यहां पर टू कंपार्टमेंट बनाएगा, जैसे कि बनाएगा ना फोर आर्म भी, तो देखिए ये मैंने फोर आर्म का तो बताया था आपको एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो हम सबसे पहले यहां बात करेंगे किसकी, हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की या फिर बोले तो फ्रंट कंपार्टमेंट की। फ्लेक्सर बोल दीजिए या फिर इसको बोल दीजिए एंटीरियर बोल दीजिए या फिर इसको बोल दीजिए फ्रंट कंपार्टमेंट।
कंपार्टमेंट, ठीक है, ये हो गए इसकी मतलब नेमिंग। यहाँ पर जी इसको आप जैसे इसको फ्लेक्सर बोल दीजिए, या इसको एंटीरियर बोल दीजिए, या फिर इसको फ्रंट बोल दीजिए, आप कि जैसी मर्जी हो आप इसको बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पर इसके टू डिफरेंट पोर्शंस रहेंगे, कौन सा देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे कौन बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ बनेगा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, ठीक है, और सेकंड बनेगा डीप। तो सबसे पहले हम सुपरफिशियल की बात करते हैं, सुपरफिशियल की हम देखिए सबसे पहले बात इसलिए कर रहे हैं ताकि एक स्पेस के साथ में हम यहाँ पे इसको लेके चले, तो हम यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सी मसल्स आती है, यहाँ पे आएगी प्रोनेटर टोरेस, ठीक है, प्रोनेटर टोरेस, और यहाँ पे सुपरफिशियल के किसके फ्लेक्सर, या फिर बोले तो सॉरी फ्लेक्सर पार्ट ऑफ फोर आर्म के सुपरफिशियल के अंदर यहाँ पे और कौन सी मसल्स आएगी, फ्लेक्सर कार्पी रेडियल, फ्लेक्सर कार्पी रेडियल, और कौन सी आएगी, पाल्मरिस लोंगस, पाल्मरिस लोंगस, द फोर्थ वन इज, फोर्थ वाली कौन सी आएगी यहाँ पर और मसल्स कौन कौन सी आएगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, और यहाँ पे एक और मसल आएगी फ्लेक्सर कार्पी अल्नर, ठीक है, ये रहेगी सारी मसल्स इसके सुपरफिशियल के कंपार्टमेंट में। वहीं अगर हम इसके अगर डीप कंपार्टमेंट की बात करते हैं, डीप कंपार्टमेंट की बात करते हैं, भाई बजा ले जोर से, बचा ले जोर से, भोंगा बजा के निकल, ठीक है, हम इसके बात करेंगे इसके कौन से कंपार्टमेंट की, डीप कंपार्टमेंट की। डीप कंपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले कौन से मसल्स की बात करेंगे, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, तो इसे आपको समझ में आएगा। द सेकंड वन इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और यहाँ पे फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस। देखिए अभी अभी आपको हम यहाँ पे जब एक और चीज़ आपको यहाँ बताएंगे, हमने ये मसल्स पहले भी पढ़ी हुई है, हमको अच्छे से पता है ये वाले मसल्स हमने कहाँ पढ़ी है, हमने ये वाले सारी सारी मसल्स पढ़ी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने पढ़ा था कार्पल टनल के बारे में, और सेकंड पढ़ा था नाइन कंपार्टमेंट, या फिर बोले तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ रिस्ट। देखिए भी आपको सब कुछ याद आएगा, जहाँ पे हमने कौन कौन सी मसल्स पढ़ी थी वहाँ पे हमने टोटल नाइन मसल्स के टेंडन्स पढ़े थे। नाउ We'll talk about its कौन सा पार्ट, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। देखिए आप इसके हिसाब से ना आप इसको नाम दे दीजिएगा, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला। तो देखिए यहां पर इसके अंदर भी यहां पर इसके क्या टू डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाऊंगा ताकि यहाँ पे एक स्पेस बन सके। तो ये देखिए ये यस, ठीक है, आप भी इसको इस तरीके से बना लीजिएगा, आपको क्या है कि यहाँ पे लिखने में समझने में सब कुछ इजी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखिए यहाँ पे इसके कौन कौन से, इसका भी वही डिपार्टमेंट रहेगा, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, ठीक है। अब देखिए सुपरफिशियल के अंदर यहाँ पर सुपरफिशियल मसल्स में कौन कौन सी मसल्स रहेगी, यहाँ पर रहेगी ब्रैकियो रेडियल फर्स्ट मसल, ब्रेकियो रेडियल, द सेकेंड वन इज एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लोंगस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लोंगस, और थर्ड वन इज एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। देखिए यहां पे सबसे बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया देखो आपको पता है जहां पर भी अगर आपको प्रूफ फ्लेक्सर, देखिए फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटी, फ्लेक्सर कौन सा, फ्लेक्सर डिजिटी सुपरफिशियलिस, है ना, तो देखिए सुपरफिशियलिस चीज बनेगी सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटी सुपरफिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, फ्लेक्सर डिजिटी, फ्लेक्सर डिजिटी प्रोफंडस, और फ्लेक्सर पोलिसिस लोंगस। तो देखिए यहाँ पर फ्लेक्सर का कंपार्टमेंट तो फ्लेक्सर से अपने आप बन रहा है। कुछ मसल्स को आपको याद करना है, जैसे कि ये हो गया कौन सा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस हो गया, प्रोनेटर टोरेस हो गया, तो प्रोनेटर का काम किस किस में आ रहा है, प्रोनेटर कौन आ रहा है, मतलब प्रोनेटर कहाँ पे आ रहा है, प्रोनेटर फ्लेक्सर में आ रहा है, तो आप इसके थ्रू भी इसको याद कर सकते हो पूरी तरीके से। और पार्मलरिस लोंगस,
बस आपको एक ये तीन मसल्स आपको याद करनी है, बाकी आपको उसमें अच्छे से पता चल जाएगा कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, क्योंकि देखिए सभी के अंदर फ्लेक्सर 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 ऑप्शंस आ रहे हैं, सिर्फ एक इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक इसमें इन तीनों में नहीं आ रहा। तो प्रोनेटर से तो आप समझ जाओगे कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के बारे में बोल रहा है, बस आपको पाल्मेज़ लोंगस को अच्छे से रिवाइज करना है। और मैं आपको मतलब सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको मतलब देखते रहिएगा, आपको देखते रहोगे ना तो आपको मतलब रिवाइज हो जाएगा, ऐसे रिवाइज ही नहीं हो पाएगा, आपको इसको डेली की डेली देखना होगा। और दूसरा होगा एक्सटेंसर डिजिटोरम, इसमें टोटल सेवन मसल आती है, तो फिफ्थ मसल कौन सी पढ़ेंगे हम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी। द सिक्स्थ वन इज एक्सटेंसर कार्पल अल्नरिस, और द सेवन्थ वन इज एंकोनियस मसल। तो देखिए यहां पर भी आपको क्या करना है, सिर्फ एक ब्रेकियो रेडियल को पढ़ना है इसके अंदर, और आपको पढ़ना सिर्फ एंकोनियस बस, ठीक है। एंड देन नाउ द सेकंड वन इज इट्स डीप मसल्स। तो डीप मसल्स में देखिए कौन कौन सी मसल्स आएगी, डीप मसल्स के अंदर आएगी यहां पर सुपाइनेटर। द सेकंड वन इज एबडक्टर पोलिसिस लोंगस, कौन सा एबडक्टर, देखिए ए बी का मतलब है एबडक्टर पोलिसिस लोंगस। थर्ड वन इज एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। द फोर्थ वन इज एक्सटेंसर पोलिसिस लोंगस, एंड द फिफ्थ वन इज एक्सटेंसर इंसिडस प्रोप्रियस। तो देखिए यहां पर भी सभी के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंसर आ रहा है, बस आपको एक तो सुपाइनेटर और एबडक्टर। अब देखिए एबडक्टर का मतलब क्या होता है, एबडक्टर है ना, तो एबडक्टर पोलिसिस लोंगस इसको एबडक्ट करने का काम करेगी, और इसको एडक्ट करने का काम कौन सी करेगी, एडक्टर वाली मसल्स काम करेगी। तो एबडक्टर मतलब आप इसको इसके नाम के थ्रू आप इसको आराम से पहचान सकते हो। बाकी आपको इसमें सुपाइनेटर याद करना है, ब्रेकियोरेडियल याद करना है, और एंकोनियस, बस ये तीन मसल्स आपको क्या करनी है, याद करनी होगी। ये हो गया हमारा इसका कौन सा कंपार्टमेंट, इसका एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ हम इसके बात करेंगे अब नेक्स्ट इसके कौन से पोर्शन की, हैंड वाले पोर्शन की। कौन से पोर्शन की बात करेंगे हम, हैंड। तो देखिए हैंड के अंदर यहां पर टोटल कौन कौन सी मसल्स आती है, यहां पर देखिए हैंड के अंदर थिनर मसल्स, हाइपोथिनर, और इसकी टोटल तीन और एक्स्ट्रा मसल्स आएगी, जिनका नाम क्या क्या है, जिनका नाम है जैसे कि हो गया लंबोरेकल हो गया, पाल्मर इंट्रोसियस हो गया, और डोर्सल इंटेरोसी मसल्स हो गई। तो देखिए यहाँ पर इनके अंदर भी क्या है कि कुछ जो है नर्व सप्लाई होती है, कौन कौन सी होती है, जैसे कि अलर नर्व सप्लाई और मिडियल नर्व सप्लाई, इनको क्या करेगी, नर्व सप्लाई हो करेगी। तो यहाँ पे हम नर्व सप्लाई की बात हम यहाँ पे बाद में करेंगे, पहले हम इनकी मसल्स की बात करते हैं। तो देखिए ये कौन सा कंपार्टमेंट रहेगा, या कौन सी मसल्स रहेगी, थिनर मसल्स, THENAR, थिनर मसल्स, ठीक है। तो थिनर मसल्स में कौन कौन सी मसल्स रहेगी, देखिए थिनर मसल्स में टोटल कौन सी मसल्स रहेगी, थिनर मसल्स के अंदर एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस रहेगी, और कौन कौन सी रहेगी, एबडक्टर पोलिसिस और फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पोलिसिस, एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस एडक्टर पोलिसिस, द थर्ड वन इज फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, और द फोर्थ वन इज अपोनेंस पोलिसिस। ये हो गए इसकी थिनर मसल्स। अब देखिए थिनर मसल्स तो यहां पे हो गई, द नेक्स्ट वन इज हाइपोथिनर मसल्स, कौन सी मसल्स हो गई, हाइपोथिनर। हाइपोथिनर मसल्स, ठीक है। अब हाइपोथिनर मसल्स के अंदर देखिए कौन कौन सी मसल्स आएगी, यहां पे भी टोटल फोर मसल्स हम यहां पढ़ेंगे। कौन कौन सी मसल्स पढ़ेंगे हम, देखिए एबडक्टर डिजिटी
मिनिमी, द सेकेंड वन इज फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, द थर्ड वन इज अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, एंड द फोर्थ वन इज पाल्मरिस ब्रेविस। ये हो गई इसकी हाइपोथिनर्स की मसल्स। एंड देखिए नेक्स्ट, अब हम इसके टोटल तीन मसल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए जो बाकी की जो तीन मसल्स है वो बहुत इजी है याद करने के अंदर, आपको सिर्फ उसके अंदर एक्चुअल में क्या करना है, आपको सिर्फ उनके सिर्फ नाम याद करने हैं। देखिए यहां पर अगर मैं बात करूंगा किसकी, लंबोरिकल, तो लंबोरिकल की देखिए कौन कौन सी वो रहेगी, कौन कौन सी ब्रांचेस रहेगी, या फिर बोलो कौन कौन सी मसल्स रहेगी जो यहाँ पे कंटिन्यू करेगी, वो रहेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सभी के अंदर सेम रहेगा। तो मैं यहाँ पे पहले मसल्स का नाम लिख देता हूँ, ये कौन सी होगी, पाल्मर इंटेरोसी, पाल्मर इंटेरोसाई, और ये हो गया डोर्सल इंटेरोसाई, डन। तो यहां पे देखिए यहां पे इसके कौन कौन सी मसल्स रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड यहां पे भी इसके भी सेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये हो गई इसकी टोटल कितने मसल्स, इसके टोटल चार ब्रांचेस जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के हिसाब से इनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो ये हो गए टोटल इसके कंपार्टमेंट्स। तो आई होप गाइस आपको ये पूरी तरह वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो कैसे गाइस इसके जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे यार इसके, मतलब अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बस वही बोलना था। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसकी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई के लिए हम यहाँ पे इसको बहुत अलग तरीके से पूरी तरीके से आपको अच्छे से बताएंगे कि कौन कौन सी नर्व सप्लाई कहाँ पे क्या करती है, इसको कंटिन्यू करती है, या फिर उसको मतलब कौन कौन सी ब्रांचेज इसको नर्व सप्लाई करेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।